झारखंड सरकार के काले कानून के खिलाफ पूरे झारखंड के व्यापारी संघ 15 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। धनबाद जिले भर के थोक विक्रेताओं के साथ बरवाड्डा के कृषि बाजार समिति में भी सभी दुकानें बंद रहीं। वहीं कच्चे फल जो कि किसानों द्वारा मंडी में लाया गया, उसे दुकानों की जगह खाली करवाया गया। बरवाड्डा बाजार समिति चैम्बर सचिव विकास कांदवे ने बतलाया कि झारखंड सरकार के दमनकारी नीति और कृषि बाजार शुल्क में 2% की बढ़ोतरी पर पूरे झारखंड के व्यापारियों में रोष देखा जा रहा है। जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती, व्यापारी अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। आज झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर पूरे प्रदेश में खाद्यान्न, फल, सब्जी, आलू, प्याज, मांस, मछली, अंडा सभी लोगों का अनिश्चितकालीन बंद है। यह बंद झारखंड सरकार के द्वारा कृषि विपणन पशुधन संवर्धन एवं सुविधा 2022 जो विधेयक लाया गया, यह काला विधेयक है और इस विधेयक को जब तक राज्य सरकार वापस नहीं लेगी, हम लोग का अनिश्चितकालीन बंद स्टेट चैम्बर के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जारी है। उसी के आलोक में आज धनबाद जिला भी, चाहे वो हीरापुर हो, महुदा हो, सिंदरी हो, तोपचाची हो, गोमो हो, मैथन हो, चिरकुंडा हो, निरसा हो, बरवड्डा बाजार समिति हो, सभी जगह खाद्यान्न व्यापारी, फल व्यापारी, अंडा मछली व्यापारी, आलू प्याज सब्जी सभी लोग अपनी अपनी दुकानें को बंद रखे हैं। यहाँ तो फल दुकानों को गतियों को बंद नहीं देखा गया, सामान खरीदारी हो आप रही देख है। रहे होंगे कि बाजार समिति में जो फल उतर रही है वो किसानों की है। किसान पिछले 7 दिन पहले कश्मीर से लेकर के फल चले हैं। जब किसानों का फल है तो हम किसान के लिए भी सोचते हैं। हम झारखंड सरकार की तरह सिर्फ कर लगा करके महंगाई नहीं करते। किसान जो लेकर के चले हैं उनकी आवक, उनकी माल फल में उतर रही होगी। आप देख रहे होंगे फल पे किसी की दुकान में नहीं उतर रही है, वो किसानों की फल है। व्यापारियों का 15 तारीख से स्ट्राइक है और वो खाद्यान्न व्यापारियों के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। कब तक हड़ताल रहेगा? अनिश्चितकालीन, जब तक राज्य सरकार इस काला कानून को वापस नहीं लेती है, हम लोग अनिश्चितकालीन में ही चले गए हैं।